পবন কুমার বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহ মুহি হরণ কলেজ বিকার জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপিস দেহ লোক জাগা রাম দূত অকলিত বল ধামা অঞ্জলি পুত্র পবন চিত নামা মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী কুমুদি নিবাস মুক্তি কে সঙ্গী কাঞ্চন বরণ বিলাস সমেতা কানন পুত্র কুঞ্চিত কেশা হাত বজ্র ধ্বজা বিরাজে কাঁধে মুখ জানুন সাজে শঙ্খ চুবন কীর্তি নন্দন তেজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন বিদ্যাবল वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे और आज है 31 दिसंबर की रात। तो अभी लगभग 8:30 से ऊपर ही हो गया है टाइमिंग और आप लोगों ने तो देखा कि मेरा पूजा पाठ हो गया है। तो आज साल के एकदम आखिरी दिन है। तो ये जो आखिरी दिन होता है सब तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय करते हैं, फिर पिकनिक करते हैं, खाना पीना खाते हैं, पर मेरा ऐसा है कि आखिरी दिन सब मिला के ही जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मन खराब रहता है, पता नहीं क्यों। तो आज डिनर में बनेगा पूरी, तो मैं मैदे को और थोड़ा सा आटा भी मिलाई हूँ, तो अच्छे से गूंद के रख दी हूँ। और फिर मटर और आलू को बॉईल कर ली हूँ। तो आज बनेगा घुगनी और पूरी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे पूरी के साथ घुगनी बहुत अच्छा लगता है, जो मटर की सब्ज़ी है। और बहुत ठंडी है इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी भी की हूँ, ताकि थोड़ा सा गर्म पानी खाऊँ कि तबीयत ठीक भी रहेगा, क्योंकि इधर बहुत ठंडी है। और दोपहर में बनाई थी पालक की सब्ज़ी। तो मेरा सब्जी बन गया है और पूरी बन रहा है। तो थोड़ी सी पूरी मैं बनाई हूँ और आधा पूरी तो मेरे हस्बैंड ही बनाए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा ही पूरी जो है वो ही बनाए हैं। तो हम लोग का डिनर देखिए रेडी हो गया है, मटर की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी बना था और फिर पूरी। और हम लोग अभी खाने के लिए बैठ गए हैं और मेरे हस्बैंड का खाना खाना हो गया है। तो अभी बजा है 11:30। तो आप ये सोई हो और 11:30 बजा है। वैसे लाइट को ऑफ नहीं की हूँ क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो घर अंदर अच्छा नहीं लगता है। और सच में बोलूँ तो वैसे जगना चाहिए, ऐसे लेटे नहीं रहना चाहिए, पर जब 5 मिनट बाकी होगा तब मैं उठ के बैठ जाऊँगी। और हैप्पी न्यू ईयर एवरी वन। तू बोल, सोनू बोल। गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे और अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में है चाउमीन और थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट देखूंगी और चाय मिल्क टी। वैसे एक बार हम लोग का चाय पीना हो गया है। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है सैटरडे और अभी लगभग बज गया है 1। तो मेरा तो नहाना हो गया है, फिर पूजा करना हो गया है, जितना भी घर का थोड़ा बहुत काम है वो तो हो गया है। न्यू ईयर है तो फिर भी काम के लिए तो छुट्टी नहीं है, तो काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। सुबह आज जल्दी जल्दी उठी, पर उतना भी जल्दी नहीं, वैसे 8 बजे करीब उठ गई।
उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू पोछा में लगा ली, फिर बर्तन धो ली और मेरे हस्बैंड एकदम साफ सुथरा घर में पूजा करके चले गए। फिर मैं नाश्ता बनाई। नाश्ते में बना था चाउमीन, और जितना चाउमीन बना था उतना में तो वैसे सबका होता नहीं है क्योंकि राज का स्कूल है, उसका छुट्टी नहीं है। वैसे दिया का भी स्कूल था तो वो गई नहीं थी, मतलब गई नहीं है आज। तो राज को टिफिन दी, फिर मेरे हस्बैंड भी चाय और फिर चाउमीन खा के गया है, पर मैं नाश्ता नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि साल में आज है न्यू ईयर, तो आज क्यों ना थोड़ा सा मतलब पूजा देने के बाद फिर खाना खाया जाए। तो इसीलिए मैं पूजा करने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट की हूँ, और फिर मन भी थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि चलो आज जल्दी जल्दी पूजा भी कर ली। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी थोड़ा सा आप लोग से बात कर रही हूँ, और उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। तो आज लंच में बनेगा पनीर की सब्जी, पनीर और फिर शायद मैं दाल भी बना सकती हूँ क्योंकि साल का पहला दिन है तो एक सब्जी तो नहीं बनाना चाहिए। वैसे मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, दो तीन तरह की या फिर चार पाँच तरह की सब्जी बंगाली में तो सब बनाते ही है, दाल फिर सब्जी फिर भाजा, हर तरह की हर सब्जी की भाजा जो फ्राई होता है, जैसे बैगन भाजा आलू भाजा ऐसे टाइप का सब्जी, ऐसे टाइप का खाना बनता है। पर मैं उतना वैसे नहीं करूँगी क्योंकि पता नहीं क्यों साल के जो आखिरी दिन रहता है हमेशा थोड़ा बहुत मेरा तबीयत खराब रहता है। जैसे कल थोड़ा सा बुखार बुखार था तो पूरी रात में सो ही नहीं पाई, और जब सुबह आज उठी तो मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं थोड़ा सा बुखार है। वैसे मैं दवाई खा के सोई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, पर क्योंकि आज साल का पहला दिन है तो इसी कारण मैं सोची कि नहीं जल्दी उठ जाती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा, जब तबीयत खराब लगेगा तो खराब लगेगा। वैसे अभी ठीक है, कल से आज एकदम ठीक हूँ। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर माई स्वीट स्वीट लवली लवली फ्रेंड, और नया साल हम सबका बहुत अच्छा जाए, मतलब हम लोग बहुत खुशी से मनाए हर दिन आज का और हर दिन, और फिर बहुत हैप्पी रहे हम सब हर एक दिन आज से नए साल से हर एक दिन, बहुत स्वस्थ रहे सबका, अच्छा अच्छा जो भी मनोकामना है विश है वो सब पूरा हो भगवान से, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। और मैं आप हम सब बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में, बहुत खुशी से लाइफ पूरा लाइफ को जिए, घर में परिवार में सबके साथ बहुत प्यार से रहे, तो यही मैं कामना करती हूँ। सब अपना अपना फैमिली के साथ घूमने जाए, फिर खाए पिए अच्छे से मनाए आज का दिन और हर एक दिन, तो और सब स्वस्थ रहे, तो यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और लंच बनेगा, और लंच में आज बनाऊँगी राइस और बनेगा पनीर की सब्जी, पनीर आलू फिर मटर ये सब की सब्जी बनेगा एक, तो मैं सब कुछ की तैयारी कर ली हूँ, अभी बस सब्जी बनाना बाकी है। और आलू थोड़ा सा ज़्यादा ऐड की हूँ इसके कारण ही मैं दो टाइम के लिए सब्जी बना रही हूँ, तो वैसे भी थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है इसलिए मैं सोची कि रात का भी खाना मैं बना के रख दे रही हूँ, और फिर रात में थोड़ा सा चावल बनाऊँगी, बस इतना ही है। तो अभी दिया और मम्मी एक बंगाली मूवी देख रही है जो है प्रेम अमर टू, तो वही देख रही है, और मैं तो अभी खाना बना रही हूँ। और रात के लिए वैसे मैं सोची थी कि थोड़ा सा अलग सी कुछ बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि तबीयत ख़राब है इसलिए मैं दोनों टाइम का खाना एक ही टाइम में बना रही हूँ, और इसके साथ पनीर के सब्जी के साथ बनेगा दाल और आलू भाजा और कुमड़ो भाजा और राइस। वैसे बासमती चावल लाए हैं पर उसको मैं रात में बनाऊँगी, अभी सिर्फ नॉर्मली चावल बना रही हूँ। तो मेरा लगभग रेडी हो गया है खाना, अभी बस इसमें रसा डालूँगी और सब्जी बन जाएगा। तो देखिए दाल बन गया है, और अभी इसको फ्राई करूंगी कुमड़ा और आलू, और इधर सब्जी भी बन गया है। Thank you.
का खाना पीना हो गया है, मतलब लंच हो गया है। और आज मीशो से मैं दो टी शर्ट ऑर्डर की थी, तो आप लोग को मैं बोली थी जब मैं और कुछ लूँगी टी शर्ट तो आप लोग को ज़रूर मैं दिखाऊँगी। नाइटी पहन के वीडियो बहुत ज़्यादा बनाई हूँ, तो मैं सोची क्यों ना मैं थोड़ा सा टी शर्ट भी मतलब ले लेती हूँ। और मीशो से काफ़ी अच्छा भी हर साइज़ का मिल जाते हैं, और फिर मतलब क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, तो उतना ज़्यादा महंगा भी वैसे नहीं है। तो आज आया है और आज देखिए, तो मैं इसको आज पहनी हूँ, तो ये आज आया है। ये है दो मैं ऑर्डर की थी, ये एक है जो मैं पहनी हूँ, और ये है और एक। तो इसको मैं आप लोग को खोल के दिखा देती हूँ। वैसे ये आज आया है तो इसको मैं पहनी हूँ, और दो ली थी दो, वो तो आप लोग को मैं दिखाई थी। और क्योंकि मैं टी शर्ट ले रही हूँ तो मेरे बेटी का भी हो जाते हैं और मेरा भी हो जाता है और मेरा भी हो जाते हैं, तो हम दोनों ही मिल के पहन सकते हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ कि उसको तो चाहिए ही होता है हमेशा पहनने के लिए, क्योंकि वो कोचिंग जाते हैं, जैसे बच्चे लोग को ज़रूरत होता है तो उसके लिए भी वैसे उतना ले नहीं पाती हूँ, तो दोनों जन का ही हो जाएगा। और ये एक है, तो ये दो ली हो। एक्चुअली मुझे पिंक कलर, फिर रेड कलर, येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पिंक ली हूँ और ये कलर ली हूँ। येलो शायद नहीं था इसमें, और इसका रेट है शायद 391 ऐसे ही होगा, दोनों मिला के एक्चुअली 400 के करीब है। तो ये है, तो गाइज मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बहुत छोटा ब्लॉग बनाई हूँ, पर न्यू ईयर है तो मैं सोची कि नहीं, साल का पहला दिन मुझे तो अपना वीडियो देना ही चाहिए, तो आज का वीडियो मैं अभी मतलब पोस्ट कर दूँगी। एक्चुअली मैं कल रात को शुरू की थी और फिर आज सुबह का थोड़ा बहुत दिखाई, मतलब कामकाज नहीं दिखाई, क्योंकि पूरे साल तो मैं कामकाज ही करती रहती हूँ और दिखाती भी रहती हूँ अपने वीडियो में, जितना भी मैं वीडियो बनाई हूँ। तो मैं सोची नहीं, वैसे तो बाहर घूमने नहीं गई हूँ तो फिर भी घर में जो भी कुछ बनाई हूँ आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और फिर आप सब तो न्यू ईयर में, और जो कल आखिरी दिन था और फिर आज नया साल में, तो बहुत से लोग घूमने गए हैं, फिर मतलब अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहा है, और मैं अपने परिवार के साथ इसी तरह से बिताई हूँ न्यू ईयर। घर का काम थोड़ा सा जल्दी करके, थोड़ा सा सुबह उठ के पूजा दे के, फिर आज सैटरडे है, नॉन वेज नहीं खा पाऊँगी, तो वेज में ही अपने तरीके से जो घर में है या फिर थोड़ा बहुत कुछ ला के न्यू ईयर को खाना पीना मतलब करके, खाना बना के खाना पीना खा के ऐसे ही मैं बिताई हूँ। और फिर मेरा जो टी शर्ट ऑर्डर की थी वो भी आ गया है, तो ये खुशी की बात है। तो ऐसे ही हम लोग बिताए हैं न्यू ईयर को, और फिर थोड़ा बहुत और थोड़ा सा न्यू ईयर मनाना बाकी भी है, क्योंकि खीर खाना मेरे बेटी को बहुत पसंद है, और फिर खीर बनाऊंगी, थोड़ा सा पुलाव बनाऊंगी, तो रात को मेरे हस्बैंड भी आएंगे। वैसे तो केक लाते हैं न्यू ईयर में, पर अब मुझे नहीं पता कि वो आज लाएंगे कि नहीं, और मैं वैसे बोली भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोग मतलब 25 दिसंबर को हम लोग केक खाए थे, फिर न्यू ईयर को मैं इसलिए मैं नहीं बोली हूँ लाने के लिए। अगर वो लाएंगे तो केक भी खाएंगे।